बारिश की फुहार किसे अच्छी नहीं लगती, मगर रायपुर में ऐसे कई इलाके हैं जहां थोड़ी सी बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऐसा ही इलाका है शंकर नगर रेलवे फाटक से आगे वीवी विहार का। कहने को तो पॉश कॉलोनियों में से एक है, मगर यहां की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। नाला अपने स्तर के ऊपर बह रहा है, सड़कों का निर्माण हुए कुछ ही दिन हुए हैं, मगर नालियों में सही निकासी न होने के चलते पानी लोगों के घरों तक आ जाता है। बिजली का तार सुबह से ही टूटकर पानी में पड़ा है। खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। गर्मी से राहत देने के लिए जाहिर सी बात है बारिश बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है, लेकिन तब आप क्या कहेंगे कि जब यही बारिश किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाए। जी हाँ, शंकर नगर के पास वीवी विहार की गली नंबर एक का नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे के जरिए, और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से क्या हालत इस सड़क की हो चुकी, गली की हो चुकी है। मैं कैमरामैन से दरखास्त करना चाहूँगा कि बिजली का तार आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाया जाए, जहाँ पर सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। तार पूरी तरह से नीचे गिर कर आ चुका है और यहाँ पर अभी तक विद्युत व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। क्या यही प्रशासन का अमला अपना दावा करता है कि हम राजधानी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, हम स्मार्ट रायपुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर रायपुर को स्मार्ट बनाना है तो जाहिर सी बात है कि बुनियादी सुविधाओं पर पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। बिजली, सड़क और पानी हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है संविधान के अनुसार, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि ही अपनी जिम्मेदारी से पर्दा कर लेते हैं, पर्दा ओढ़ लेते हैं, चुप्पी साधे बैठते हैं, तब नागरिकों को परेशानी तो होनी ही है। अब आप बताइए कि इस वक्त हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के रहवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। बार बार पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद जी का यही जवाब रहता है कि हम सड़कें बना देंगे। सड़कें बनाई भी गई, लगभग 20 से 25 दिन का समय हो चुका है सड़कों का निर्माण हुए, लेकिन सड़कें बनाने के बावजूद अब तक यहाँ के लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पाई है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ये निवासी जिम्मेदार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, या फिर जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं? जहाँ तक विधायक जी की बात है इस क्षेत्र के, वो तो कभी यहाँ पर आना मुनासिब भी नहीं समझते, ना ही किसी की समस्या सुनना शायद उन्हें पसंद है, और यही वजह है कि हर साल बारिश में यहाँ के लोग बारिश ना होने की दुआएं मांगते नजर आते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है इनकी व्यथा जो यहाँ मूल निवासी है उनकी। सड़क के निर्माण में अभी 20 से 25 दिन हुए होंगे, अभी जस्ट 2 दिन पहले तो इतना पानी आया था कि हमारे घर के अंदर तक आ गया था। अभी सिर्फ आधे से पौन घंटे तक की बारिश हुई है और आप देख सकते हैं कि पानी कितना है। नाले को आप देखिएगा कि पूरे उसके जो दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं, इसलिए पानी बहुत जल्दी अंदर आ जा रहा है। हम लोग 7 साल हो गए ऐसी होता है पानी, घर में पानी घुस जाता है, नाली नहीं बना है, पानी का समस्या घर में घुस, हाल में किचन में बेडरूम में हर घुस जाता है पानी। रोड बनने के बावजूद ये सब समस्या हो रहा है पानी का निकासी का, हर हमेशा ऐसी होता है हर साल। नारायण नारायण